ने मेरे लिए राखी भेजी है, मैं भी अपनी बहन को भेंट कर रहा हूँ। रक्षा के लिए हर वक्त खड़े रहने का वादा भी करता हूँ। प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई। सरोज पांडे ने राखी के साथ ही सीएम को पत्र लिखा था और उसी पर जो है ये जवाब जो है अब जो है सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। वो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि मेरी बहन सरोज पांडे ने मेरे लिए राखी भेजी है और मैं भी अपनी बहन को भेंट भेज रहा हूँ, और भेंट के साथ साथ रक्षा के लिए हर वक्त खड़े रहने का वादा करता हूँ ये भी कह रहे हैं। आदित्य जी देखिए, एक तरफ वो एक कटाक्ष करती हैं, वो दुख व्यक्त करती हैं राखी का बंधन सूत्र भेजने के साथ साथ अपने भाई को मनाने की कोशिश, और दुख भी और कटाक्ष भी राजनीति में जैसे कि आप कह रहे थे, लेकिन सीएम भूपेश बघेल का जवाब है वो भी कम कटाक्ष वाला नहीं है, वो भी राजनीति का भरपूर उपयोग करते हुए साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि वो वादा भी कर रहे हैं कि मैं रक्षा के लिए हर वक्त आपके साथ खड़ा हूँ। देखिए राजनीतिक व्यक्ति राजनीति कैसे नहीं करेगा ललित जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है अनुसुईया उइके जब राज्यपाल हुआ करती थी तो राज्यपाल के नाते जब उनको साड़ी भिजवाई गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा तो उसमें भी बहुत कुछ उस पत्र में लिखा हुआ था। राज्यपाल का जब उस पर जवाब आया था तब भी उसमें बहुत सारी राजनीतिक बातें लिखी। तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति तो करेंगे, लेकिन हाँ रक्षाबंधन का दिन है, राखी अगर भेजी गई तो उसमें देखिए उस शुभकामना संदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से आ गए। इन सब चीजों से बचना चाहिए, छोटी मोटी हल्की चीजें जो है उपहास हल्के से मजाक ये राजनीति में चलते रहते हैं उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा समय बचा है, 2-2.5 महीने है चुनाव में, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, फिलहाल इन सब चीजों को इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल, और एक बात हो रही, उन्होंने साथ ही साथ ये तो कहा ही कि मेरा उपवास क्यों उड़ा रहे हैं, उपवास उड़ाने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यही भावना क्या आपकी शैलजा के लिए है, क्या ममता बनर्जी के लिए, मतलब अपनी पार्टी के या फिर अपनी पार्टी से सरोकार रखने वाले दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए आपकी वो भावना नहीं है जो आपकी विपक्षी पार्टी बीजेपी उसके लिए आपकी भावना है। तो ये कारण वही था, मैंने कहा ना राजनीतिक व्यक्ति राजनीति जरूर करे, कहां से बात शुरू हुई थी और कहां तक पहुंच गई, अब वही बात है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, वो दूर तलक जा रही है। मुख्यमंत्री ने हालांकि उसका जवाब बहुत सौम्यता के साथ दिया, लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए जो बोले बहुत बार, क्योंकि शब्द वो बाण होते, एक बार चल गए वो वापस नहीं आ सकते, दोनों पार्टियों को निश्चित तौर पर इसे सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर ये राजनीति है और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और वो देखिए कैसे एक के बाद एक बात होती गई और चलती गई। हालांकि सबसे पहले सरोज पांडे ने कहा, बच्चा कहा था दीपक बैज को, हालांकि दीपक बैज भी दूसरी पार्टी से आते और काफ़ी पीसीसी चीफ है, ऐसे में उनको बच्चा कहना ये भूपेश बघेल को भी नागवार गुजरा, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया आप अविवाहित है, वो तो विवाहित है, और ये जो बात है ये भी सरोज पांडे को चुभ गई। उन्होंने रक्षा सूत्र भेजते हुए जो है ये पत्र भी लिख दिया कि ऐसी भावना आपको व्यक्त नहीं करनी चाहिए, नाराजगी के साथ साथ जो है वो ये भी कह रही कि आपने उपहास उड़ाया। चलिए एक बार आपको फिर से सुना देते हैं सरोज पांडे ने क्या कुछ कहा था, उसके बाद भूपेश बघेल ने उसका क्या जवाब दिया, चलिए सुनते हैं। अभी आधार नहीं है दीपक जी को बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना, अभी बच्चे हैं अभी सीखें, अभी बच्चे हैं अभी सीखें, अभी बच्चे हैं अभी सीखें, दीपक जी को बोलने का अभी आधार नहीं है दीपक जी को बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना, अभी बच्चे हैं अभी सीखें, अभी बच्चे हैं अभी सीखें, अभी बच्चे हैं अभी सीखें। दो बार के विधायक हैं, लोकसभा जीते हुए, अब उसको बच्चा कह रहे हैं तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं, सरोज पांडे जी तो शादी भी नहीं हुई है तो फिर तो तो हास परिहास होता है, लेकिन राजनीति